हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2022 के बारे में, जो कि फ्रेंड एसएससी ने एमटीएस 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आपको अपने मोबाइल से अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने जो फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मोबाइल से करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि आपको गूगल में सर्च कर लेना है ssc.nic.in। डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और रीजन वाइज आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर नेक्स्ट जो भी रीजन है, सभी रीजन से यहां पर ओपन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो नॉर्थ सॉरी ईस्टर्न रीजन और साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन है, दोनों का ही यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया है, बाकी का अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। बाकी के जितने भी रीजन बचे हैं उनका धीरे धीरे यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जैसे ईस्टर्न रीजन का यहाँ पर चेक करके दिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीजन की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है, इस तरह की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर जैसे इसमें क्लिक करना है। ठीक है, इस साइड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर जैसे एक तरफ यहाँ पर है और एक तरफ आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड का, आपको एडमिट कार्ड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑर्डर का ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नाउ योर स्टेटस और एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीआईसी पेपर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2020 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी जनरल डिटेल्स इसमें इंटर करनी होगी। आपके पास रोल नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों में से एक डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। ये डिटेल्स नहीं है तो आपको यहाँ पर नेम से भी निकाल सकते हैं, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस बॉक्स में से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर देखो दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लेना, कौन सा महीना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो सम है जिसको आपको यहाँ पर जोड़ना होगा, यानी कि 7 और 5 कितने होते हैं, प्लस का निशान दिया गया है। तो आपके सामने माइनस का भी आ सकता है, कोई इसके स्थान पर कोई भी अदर संख्या भी आ सकती है, तो इनको आपको यहाँ पर जोड़ना है या कटाना है, जो भी निशान आएगा प्लस का माइनस का जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर लिख देना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो एडमिट कार्ड की जो जनरल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका रोल नंबर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट 15/7/2022 है। इवनिंग की शिफ्ट है, यानी कि शाम को एग्जाम होगा। एग्जाम टाइम आपको यहाँ पर 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एग्जाम चलने वाला है। एग्जाम सिटी देख सकते हैं। फॉर्म स्टेटस आपको यहाँ पर चेक करते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है कब से जारी होगा। अभी तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं यू एग्ज़ाम विल बी हेल्ड 15/7/2022 को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, और आपको यहाँ पर जो अपना एडमिट कार्ड है 11/7/2022 को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 दिन पहले आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जिसका भी एग्ज़ाम है, जिस तारीख को एग्ज़ाम होगा उस तारीख से 4 दिन पहले सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, नीचे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी तक यहाँ पर चेक फॉर अनदर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है,
इस जगह पर आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर इस कोने पर आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसमें पीडीएफ फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना एमटीएस एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।